इस सीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीजन 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो करियर हो, या सेलिब्रेशन हो, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हैं कि क्या होता है मानिक नंदिनी की जिंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिलेगा। जो शादी को लेकर बात चल रही हो, क्या कहना चाहिए, कब होगी शादी, वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे आ रहे हैं सीजन 5 2 सितंबर से जी, उसमें कुछ है शादी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो, किसी और की शादी हो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो, थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। नीति मैम और आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट सीजन की शुरुआत की थी, उस सीजन से ये सीजन तक क्या क्या आप लोगों में अपने बदलाव हुए, आपके करियर वाइज या कितना आप चेंज हुए, क्या क्या कुछ चेंज हुआ टेक्नोलॉजी वाइज शूट में, अगर आप मुझे बता सकते। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हुई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा। बिग बॉस उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली, विच इज वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस के रहे हो, जोक थोड़ी था। बट yes, I'm glad that she is settled now, and I'm hoping myself to see also like her one day. But apart from that, career wise we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world, and हमने भले ही जितना काम हम कर चुके हैं इन 9 सालों में, apart from यारिया, हम जो प्यार है, जो लोगों का admiration है, वो हम वापस खींच लाया है सीजन 5 के और। आप कुछ बनने, सर ने तो बोल दिया, आप कुछ। Of course, हमने जब सीजन 1 किया था तो हम सब एक्चुअली बच्चे थे, वी ऑल वर लाइक टीनेजर्स, यू नो, ये शो कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स हम सब इवॉल्व हुए, सब मैच्योर हो गए हैं। एंड पहले बहुत कंपटीशन वाला, यू नो, स्पिरिट था कि यार तूने ये सीन किया, मैं भी ऐसे करूँगी, बेटर करूँगी, तो बहुत कंपटीशन था। अभी बिकॉज वी हैव ग्रोन, वी हैव इवॉल्व, तो अभी ये है कि सीन को हमें कैसे बेटर करना है। इट्स नॉट कि कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटिफुल। सो यस। ओके, आपने कहा कि बिग बॉस चल रहा था, मतलब तो क्या आप कभी बिग सर पास सर आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे? आने वाले दिनों में लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस में जाए। पूरा बात प्लीज आवाम जानना चाहती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर, क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर entertainment is something that's why people watch Bigg Boss, and I feel that I won't be entertaining enough as a human being, because as Parth I'm a very reserved and shy person, तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने emotions अपने emote नहीं कर पाऊँगा, तो I don't think I would justify for a show like that. It's a great show, but for me to act behind to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness और खुशियाँ, और वहाँ पर मैं लोगों को entertain करना चाहूँगा। So as of now तो नहीं। नीति मैम, आपने नीति आप ऑलरेडी फैन हो Bigg Boss। हाँ। तो क्या कहना चाहूँगी, आपको अगर अप्रोच किया जाए तो? मुझे हर साल ऑफर आता है, लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ, I think yes। मगर नीति की शादी के बाद आपने कुछ चेंजेस देखी है? नीति के शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है, और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है, और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी, अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। नीति, रील्स की बात करें तो रिसेंटली आप जिनकी फैन है, यू नो, जेनिफर टेलर, यू नो, आपका रील लाइक किया था, क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यार कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया था वाओ फैन मोमेंट, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आई गॉट वेरी हैप्पी। मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फ़ोन के अंदर रख दिया, आई वाज लाइक यू नो इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोना ट्रेजर, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन। Okay, thank you guys. Guys, no, sorry guys. आप लोगों ने इतने सारे प्लान्स किए, एनी ड्रीम रोल तो अभी भी यू नो एक आपकी विश लिस्ट में है? एनी ड्रीम रोल? यस। मेरे लिए तो ये है कि आई एम स्टार्टिंग माई फिल्म्स very soon, my film career, so I am exploring a lot many different characters and I want to explore. तो अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, अभी 2 फिल्म आ रहे हैं तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रोल्स, काफ़ी कुछ रोल है जो मुझे करने हैं एक्शन हीरो के तौर पर या गैंगस्टर के तौर पर, तो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना है. अभी तो बहुत काफ़ी शुरुआत हुई है मेरी फिल्म जर्नी में, तो just waiting for it. नीति, I would like to play a psycho lover. Like I would love to do that. Like a dark shade, like a grey shade. I would love to. मुझे वो करना. You should meet Jennifer for that. I know, that's why. Lastly, message to your fans and viewers. That we guys love you and thank you for making Yaariaan so good, and because of you all, you know, this legacy is now in the 5th season. So thank you. But please देखते रहिए कैसी Yaariaan season 5 from 2nd of September only on Jio cinemas. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ऐसा करेगा. नीति हो. नीचे नीचे यहाँ.